हेलो फ्रेंड्स, जय बालाजी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। काश मीरा की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है टेस्टी टेस्टी खांडवी। दो चीज़ों से फटाफट से बना सकते हैं हम टेस्टी खांडवी। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे बनाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं खांडवी बनाना। गुजराती स्पेशल डिश है ये, तो जल्द से ये बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी बेसन का आटा लिया है और ढाई कटोरी हमें इसमें बटर मिल्क चाहिए, मतलब छाछ चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पतीली ली है छोटी सी, उसमें हम ये बेसन की कटोरी हमने ली है एक कटोरी, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसमें आधी कटोरी बटर मिल्क ऐड करेंगे। अगर आपके पास छाछ नहीं हो तो आप दही से भी बना सकते हो बटर मिल्क बना के। दो कटोरी मैंने ऐड की है, अब ये ढाई कटोरी, आधी कटोरी, तो ढाई कटोरी हुआ ना बटर मिल्क। अभी हम इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, सिर्फ थोड़ी सी, और थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अभी हमें हैंड मिक्सर से ब्लेंड करना है इसे। अच्छे से सब ये मिक्स हो जाए तब तक हमें इसे ब्लेंड करना है। सिंपल और टेस्टी है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। एक बार ये स्टाइल से जरूर से ट्राई कीजिएगा। सब अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी हम आगे की प्रोसेस करते हैं फ्रेंड्स। अभी हम एक कुकर लेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम डेढ़ ग्लास पानी ऐड करेंगे। गैस ऑन करेंगे, इसमें हम स्टैंड रखेंगे और वो बैटर वाली हम ये पतीली इसमें ऐड कर देंगे। हमें इसमें तीन विसल बजानी है। हमें ये पतीली के ऊपर लीड बंद नहीं करना है, हमें कुकर का ही लीड बंद कर देना है। तीन विसल बजानी है हमें। थाली पे ऑयल ग्रीस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे आगे की साइड ऑयल ग्रीस करेंगे। बहुत ही सिंपल रीत से ये खांडवी तैयार होती है, तो एक बार ये स्टाइल से जरूर से ट्राई कीजिएगा आप, आपको पसंद जरूर से आएगी। तो ये आगे की साइड हो गया। हमें ऐसे दो बड़ी थाली लेनी है, जितना आप बनाते हो वैसे, हमने जितना बनाया उसमें हमें दो थाली लेनी है। आप ज़्यादा बनाते हो तो आपको ज़्यादा लेना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। ये देखिए, हम इसे कुकर में से निकाल लेंगे। हमने जो मेजरमेंट रखा था वो एकदम बराबर है। एकदम से हमें मिक्स करना है। अभी हमें फटाफट से थाली में स्प्रेड करना है। पूरी थाली में हमें इसे स्प्रेड करना है ऐसे।
थाली को ऐसे ही घुमाते रहना है हमें। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसे हमें ठंडा करना है, फिर हमें इसका रोल बनाना है। बहुत ही इजी, सिंपल और टेस्टी रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स ठंडा हो गया है तो अभी हम कट करेंगे। ऐसे पहले हमें स्ट्रेट कट करना है। फिर ऐसे हमें रोल करना है धीरे धीरे हल्के हाथ से। ये देखिए ऐसे हमें टर्न करना है। जिस थाली में आपको सर्व करना हो उसी थाली में आप रखते जाइए। ये देखिए अगर आपको ऐसा लगे कि साइज बड़ी है तो आप कट भी कर सकते हो, हल्के हाथ से करना है आपको। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आने वाला हो तो आप फटाफट से ये बना सकते हो। बाहर यही चीज़ बहुत ही महंगी मिलती है। आप एक कटोरी बेसन से खांडवी बना सकते हो। ऐसे ही हमें सब रोल बना देना है। देखिए फ्रेंड्स अभी हम सर्व करेंगे, फिर हम इस पे तड़का लगाएंगे। फ्रेंड्स अब हम तड़का लगाएंगे, इसके लिए हम 2 चम्मच इसमें ऑयल ऐड करेंगे। हाँ हाँ, करीब 1/2 चम्मच इसमें हम राई ऐड करेंगे। राई ततड़ने के बाद आवाज बंद हो फिर खांडवी के ऊपर स्प्रेड करेंगे। हाँ हाँ, सिंपल स्टाइल से बनाइए फ्रेंड्स खांडवी, आप भी खाइए और सबको खिलाइए। अभी गैस ऑफ करेंगे। अभी हम लाल मिर्ची पाउडर इस पे स्प्रिंकल करेंगे। धनिये से गार्निश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरह से रोल बन गया है और खाने में भी इतना टेस्टी है और बनाने में तो बहुत ही इजी है, तो एक बार ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा।
अगर फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट ज़रूर से कीजिएगा मेरे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।